बहराइच में क्रिसमस की रही धूम, हर्षोल्लास से मनाया गया बहराइच में क्रिसमस डे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में आज क्रिसमस डे के अवसर पर बहराइच के CNI चर्च में विशेष प्रार्थना की गई। इस दौरान क्रिश्चियन समाज के महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे इस प्रार्थना में शामिल हुए। बहराइच से देखे हमारे विशेष संवाददाता नूर आलम वारसी व उनके सहयोगी मोहम्मद अरशद की ये खास रिपोर्ट। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में मिल करके गीत गाएंगे। 57 है राजा यीशु आया, राजा यीशु आज क्रिसमस है और क्रिसमस की आप सभी को NNY 24/7 न्यूज़ की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच के CNI चर्च में, जहां पर आज 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बात की जाए तो ईसाई धर्म के लोग इस चर्च में प्रेयर करने के लिए आ पहुँचे हैं और भारी संख्या में महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और प्रेयर अंदर चल रही है। ऐसे में आज जो ईसाई धर्म का मुख्य पर्व है जिसे क्रिसमस कहा जाता है, वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यूपी के बहराइच में मनाया जा रहा है। अभी प्रेयर होगी जिसके बाद लोगों को मिठाइयाँ बांटी जाएंगी और एक दूसरे को लोग मुबारकबाद देंगे। ऐसे में अगर बात की जाए तो तमाम सारे जो लोग हैं, अन्य धर्मों के लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बात की जाए अगर तो मुस्लिम धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग या अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो ये बहराइच का CNI चर्च है जहां पर इस वक्त ये 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे में अभी हम यहां पर मौजूद फादर से बात करेंगे और यहां पर जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि आज 25 दिसंबर के मौके पर वो क्या कहना चाहते हैं और क्या जानते हैं इसके बारे में और लोगों को क्या वो जानकारी देंगे। तो बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहें NNY 24/7 न्यूज़। मोहम्मद अरशद के साथ नूर आलम से। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 25 दिसंबर है और क्रिसमस की धूम है। क्रिसमस पूरे देश में और बल्कि विदेश स्तर पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मौजूद है बहराइच के CNI चर्च में और यहाँ पर भी हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस मनाया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ सर हैं, उनसे हम बात करेंगे और इस खास मौके से क्या कुछ वो जानकारी देना चाहते हैं उनसे बात करते हैं। आइए बात करते हैं। जी सर, जैसा कि मेरा नाम आशीष विल्किंसन है, मैं बहराइच का ही रहने वाला हूँ। इसी कैंपस में मेरा मकान है और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये 25 दिसंबर हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है, क्योंकि ये जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस का दिन होता है, जिसको सारे क्रिश्चियन सोसाइटी, क्रिश्चियन समाज, ईसाई समाज, न सिर्फ समाज ये कहें आप पूरा समाज, सारे लोग, देश के एक एक व्यक्ति को 25 दिसंबर की अहमियत पता है और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ 25 दिसंबर बड़ा दिन सेलिब्रेट करते हैं। ये खुशियों का दिन है, ये सेलिब्रेट करने का दिन है। एक दूसरे को बधाई, एक दूसरे को केक देना, एक दूसरे से अच्छी बातें करना, एक दूसरे को सम्मान देना, यही 25 दिसंबर का मेन मोटो रहता है। जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिला है सर कि सर्वधर्म के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहना है? सारे धर्म के लोग आते हैं। ये तो ईश्वर का भवन है, यहाँ हर किसी के लिए जगह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सभी से प्रेम किया था, उन्होंने जाति धर्म की बाध्यता नहीं की थी। उसी तरीके से उनका भवन है, कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है और हम लोगों के साथ सेलिब्रेट कर सकता है, उसको पूरा सम्मान दिया जाएगा। क्या संदेश होगा, क्या मैसेज होगा आपका, क्या कहना चाहेंगे लोग? ये प्रेम का दिवस है, यीशु मसीह तो हमेशा जो है प्रेम की ही बातें करते रहे कि आप अपने विचारों को अच्छा कीजिए, आप अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, एक दूसरे के साथ प्रेम रखिए, ताकि ये कटुता, ईर्ष्या, देश, ये सब दूर हो, लोग प्रेम के साथ रहें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ रहें। और सारी चीज़ें जो भी त्यौहार है, भारतवर्ष तो आप जानते हैं कि खुशियों का देश है, यहाँ तो हर दिन कोई ना कोई त्यौहार है और इसको सभी लोगों को, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं,
सारे भारतवासियों को सारे त्योहारों को एक साथ सेलिब्रेट करना चाहिए और इंजॉय करना चाहिए। थैंक यू सर। तो ये थे सर हमारे साथ जिन्होंने हमें वक्त दिया और इस ख़ास मौके से जो जानकारी देनी थी वो दिया। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आज 25 दिसंबर क्रिसमस डे के अवसर पर चर्च को सजाया गया है, लाइटों से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है और किस खूबसूरत अंदाज से इस चर्च को सजाया गया। अभी यहाँ पर प्रेयर भी हुई थी, जो फादर ने संबोधन किया उसको लोगों ने सुना यहाँ पर, जिसके बाद यहाँ पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई, मिठाइयाँ बांटी गई और अब सभी यहाँ से दूसरे चर्च के लिए रवाना हो गए। तो ये तमाम सारी रिपोर्ट है जो हम आपको बहराइच के सेनाई चर्च से दिखा रहे थे। कैमरे के पीछे मोहम्मद अरशद, मैं नूर आलम वारसी, बहराइच। जी मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज डॉक्टर अर्चना क्लॉडियस एंड विश यू वेरी ऑल क्रिसमस ऑल ऑफ यू। एंड ये प्रभु के जन्मदिन दिवस के अवसर पे हम लोग चर्च में ऑर्गेनाइज करते हैं और बड़ी खुशियों के साथ ही मनाया जाता है। रात की 12 बजे प्रभु यीशु मसीह का चरणी में जन्म हुआ, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग मॉर्निंग में चर्च और प्रेयर करते हैं और ये प्रभु के संदेश को दुनिया तक पहुंचाया जाता है। तो चर्च में सीएनआई चर्च रिजरेक्शन यहाँ पे है, तो ये 200 साल पुराना ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे हो रहा ये 30 से 40 इयर्स हो गए लगभग इसको खुलते हुए। तो ये इट्स द ओल्डेस्ट वन चर्च इन आर सिटी। तो सबको हैप्पी क्रिसमस। यहाँ पे होंगे ऑलमोस्ट 6 से 7 चर्चेज होंगे। सेंट नॉबर्ट है आपका, 7 डे है, ये सब चर्चेज लीड करते हैं। तो आज हर जगह आपको क्रिसमस के उपलक्ष्य में सब जगह ये प्रभु के संदेश की जानकारी दी जाएगी लोगों को। नहीं, सबके टाइमिंग डिफरेंस होते हैं। अच्छा, डिफरेंट होते हैं जी। हाँ, इसके बाद कहाँ होगा? इसके बाद फिर अब मिशन है, मैथोडिस्ट है आपका बड़ी हार्ट में एंड 7 डे है। 7 डे का आई थिंक नाइट सर्विस होती है शाम की और ऑलमोस्ट हो चुका होगा। और ये भी मिशन चर्च होगा आपका। अभी 3 है प्रायोरिटी पे, मैथोडिस्ट है आपका, मिशन है और ये है सीएनआई। ये इसको हम लोग रिजरेक्शन चर्च ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो सीएनआई नॉर्थ इंडियंस होते हैं जो जगह बोलते हैं, सेंट्रल नॉर्थ इंडियन चर्च। ठीक है, ओके। क्या मैसेज होगा आपका? मैसेज आज का जीसस के बर्थ का ये मैसेज है कि सब में प्रेम बांटना। और प्रभु हमारे लिए दुनिया में आया, हम सब के लिए दुनिया में आया और उसने अपने क्रूस जान, उसने अपना लास्ट सफ़र जो हम लोग ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं तो लास्ट उसका होता है सफ़र, उसने दुनिया के पापों के लिए अपने आप को क्रूस पे कुर्बान किया ताकि दुनिया को क्या कहते हैं दुख तकलीफ और पापों से बचाया जा सके। और वो फिर तीसरे दिन जी उठा। और ये बर्थ तो हमारा रिचुअल है अकॉर्डिंग टू बाइबल, ये हम लोग इसको रिचुअल्स को सेलिब्रेट करते हैं कि कोई ना कोई मतलब परमेश्वर प्रभु के रूप में जो जन्म लेता है वो दुनिया में आने का कारण बनता है। लेकिन वो आया, उसने प्रेम का संदेश पूरे जग को दिया और सभी जातियों में उसने अपने प्रेम को फैलाया। कोई पर्टिकुलरली हम क्रिश्चियंस ही इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, इसको ऑल धर्म भी सेलिब्रेट करते हैं। और मेन है प्रभु ने सारे अपने प्रेम को पूरे दुनिया में फैलाया, उसके आने का मेन रीज़न होता है कि सब धर्म के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, ये जैसा कि भी आपने बताया आजकल कुछ चीज़ें पहले ट्रेंड में नहीं होती थी लेकिन टाइम के साथ सारी चीज़ें चेंज हुई तो लोग अब बढ़ने लगे, लोग जुड़ने लगे, इस चीज़ को जानने लगे। और अब हर कोई, हर धर्म जाति, ये पर्टिकुलरली हम क्रिश्चियंस इसको सेलिब्रेट नहीं करते, इसको हर जातियाँ सेलिब्रेट करती हैं। और प्रभु के आगमन की खुशी में हम लोग स्पेशली आज के दिन ये प्रार्थना सभाएँ रखते हैं हर चर्चेज में, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। आज के दिन ये स्पेशल प्रार्थना सभाएं होंगी। ओके, क्या नाम है सर आपका? मेरा रेवरेंड आनंद मसीह। आज क्रिसमस की धूम क्या कहना चाहेंगे? क्रिसमस के धूम में इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि ये क्रिसमस की धूम इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था। ठीक है, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस को हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, आनंद के साथ मनाते हैं। वो इसलिए कि परमेश्वर अपने पुत्र को हम मानव के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए इस पृथ्वी पर भेजा था। उद्धार छुटकारे का इंतजार सभी मानव को 2000 वर्ष पूर्व इस संसार में थी और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए उद्धार और छुटकारा देने के लिए। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारा प्रभु आया। अगर वो नहीं आते तो आज हमारा उद्धार और छुटकारा नहीं होता, हमें आनंद जीवन नहीं मिलता।
एलन वाइस 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें एलन वाइस 24/7 न्यूज के साथ। एलन वाइस 24/7 न्यूज, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।